प्रीतम दा तो बोलो कि मार मारी हो रही है और किसकी मार प्रीतम दा दंगल का पोज सब लोग पाँच सौ करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड हुआ है चाइना में भी जी जी बस बस अरे बिना बोलते एक्चुअली हम लोग रिपोर्ट्स के बारे में इतना नहीं सोच रहे और ना हम शुरू से सोच रहे थे हमें तो बेहद खुशी इसी बात की है कि ये फिल्म जो है लोगों ने इतने प्यार से इतने प्रेम से अपनाया है भले वो हिंदुस्तान की बात हो या हिंदुस्तान के बाहर की तो वी आर रियली हैप्पी दैट व्हाट स्टोरी वी बिलीव इज व्हाट स्टोरी इज दिस अरे यार कपिका को बोलना स्पीकर के पास पहले से यार इसको लगाओ ना अपने छोटा वाला है ना सोशल मीडिया पे भी इसके लिए ऐसा पड़ रहा हूँ बहुत खुशी हुई जो उनका रिएक्शन है जो आज ऑडियंस एक मीटिंग में बिल्कुल हूबहू इंडियन ऑडियंस की तरह ही है वही जज्बातों के साथ वो बात कर रहे हैं उसी वही चीज़ें बोल रहे हैं उसको बोलो उसको बोलो खींचो दीपिका को बोलो अच्छी जगह हिंदुस्तान की तैयारी अच्छी जगह रही है स्टार्टिंग शूटिंग इन जून सो फार सो गुड अच्छी रिहर्सल अच्छी जा रही है एक्शन की रिहर्सल अच्छी जा रही है इस फिल्म की हीरोइन है हिंदुस्तान और कैसे लग रहा है मुझे बेहद खुशी हो रही है बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है फातिमा और मुझे लगता है कि रोल में बहुत सूट करती है और जिस तरह फातिमा ने जो स्क्रीन टेस्ट दिया है इस फिल्म की भी जैसे दंगल की हमने बहुत रिग्रेस टेस्ट नहीं की थी हमसे ही वैसे ही हुआ है तो तीन चार दफ़ा उनको टेस्ट देना पड़ा तो अल्टीमेटली जब विक्टर साहब को तसल्ली हुई तब विक्टर टुक द डिसीजन ऑफ कास्टिंग फातिमा आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस हमें इस नाम के बारे में थोड़ा बताएं कुछ दंगल दंगल बात चली है ये जो पीछे टाइटल रखा गया है बस ये जो हमारा टेलीविजन प्रीमियर आ रहा है किसी टीवी पर उसी के साथ साथ जो हमारी बातें आज हुई हैं जो हमारी यादें ताज़ा हुई हैं उसी के यही वो शो है फिल्म के बाद हम जो बातचीत कर रहे हैं लोगों के सवाल ले रहे हैं देश भर से तो ये मेमोरी है हम सबके लिए दंगल की